हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस आर बी साइंस। नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। बायोलॉजी की अगर बात करें तो जैसा कि एक्सपर्ट्स के द्वारा हमेशा बोला जाता है कि बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, मतलब मेन बायोलॉजी की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो मेडिकल प्रिपरेशन के लिए चाहे वो नीट हो चाहे एम्स हो, एनसीईआरटी बुक मस्ट है, क्योंकि अब सेट पीएमटीज तो होती नहीं है। वहाँ पे अपने को एनसीईआरटी पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन बनाए नहीं जाते। उनके चैप्टर्स में जो लाइन दी गई है उनको ही उठा के क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। तो अगर अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, आप फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करें, ठीक है। अगर आप 50 बार भी एनसीईआरटी पढ़ लें तो फिर भी, अगर 51st बार भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नया ही मिलेगा उसमें से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती, आंसर इसमें किया गया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्वेश्चंस है 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड, डबल फर्टिलाइजेशन इज दोहरा निषेचन जो है वो क्या है, तो इसमें क्या क्या होता है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों होता है। ये 12th एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पादप, कौन सा एक प्लांट शलभ मतलब मौत की एक जाति के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप दर्शाता है, शो करता है, जिसमें दोनों ही मतलब प्लांट और मौत अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर सकते, तो वो मौत है, मौत का नाम है युक्का, ठीक है, मतलब सॉरी प्लांट का नाम है युक्का और वो मौत की एक जाति के साथ रिलेशनशिप दर्शाता है जिसमें एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है वो 12th एनसीईआरटी के 13th चैप्टर से दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बहुत लंबे समय के लिए, बहुत वर्षों के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में, तो उसका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री। ये क्वेश्चन भी दिया गया है 12th एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर से, सीधी सीधी ये लाइन दी गई है वहाँ पे और यही उठ के आ गई है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पे, उनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, मेंटेनिंग टर्गर इन सेल मतलब स्फीति दाब बनाने के लिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है टर्गर प्रेशर को, हिंदी में स्फीति दाब बोलते हैं, इसको बनाए रखने के लिए कौन सा एलिमेंट सॉरी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है वो दिया था 11th एनसीईआरटी के सेकेंड 12th चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन जो है वहाँ से। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनएडी प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनएडी प्लस का क्या रोल है, वहाँ पे इसका रोल है इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में इसका यूज होता है। ये क्वेश्चन है 11th एनसीईआरटी के 14th चैप्टर प्लांट रेस्पिरेशन से। 7th चैप्टर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, प्लांट में आयरन जो है मतलब लोहा सॉरी आयरन, तो उसका एब्जॉर्प्शन अवशोषण किस रूप में होता है, तो वो होता है फेरिक के रूप में। ये क्वेश्चन भी दिया गया है प्लांट न्यूट्रिशन 11th एनसीईआरटी के 12th चैप्टर से। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, ठीक है, डीएनए का फ्रैगमेंट को वेक्टर के, डीएनए फ्रैगमेंट को ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी 12th एनसीईआरटी के 12th चैप्टर में दिया गया। वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों का नाम दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 और 14 में भी आ चुका है, ठीक है, रिट्रोवायरस। फिर नेक्स्ट है, यूज्ड फॉर बायो रिसोर्सेज, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, ये संगठनों के द्वारा किसी देश या उसकी लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधनों का, ठीक है, यूज़ करना क्या कहलाता है, तो वो है बायोपायरेसी। ये क्वेश्चन भी 12th एनसीईआरटी के 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से दिया गया है। इन इंडिया मतलब भारत में अनुवांशिकता मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन में कौन सा संगठन उत्तरदायी है, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करता है, वो है GEAC, ठीक है, इसको हिंदी में इसका नाम है अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, जेनेटिक इंजीनियर
इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, लेकिन यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में अप्रेजल करके कुछ दिया हुआ था, अप्रूवल कमिटी है ये। ये भी क्वेश्चन जो है वो 12th NCERT के 12th चैप्टर, हाँ 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी से दिया गया है। फिर नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR के लिए करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है, वो है डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हाँ 12th NCERT के 12th चैप्टर से ही है, बायोटेक्नोलॉजी से ही है। फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट मैच जो था वो है आंसर जो किया गया है वो राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन है 12th NCERT के 6th चैप्टर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से दिया गया है ये। नेक्स्ट अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, ये बासमती वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 12th NCERT के 12th चैप्टर से दिया गया कि बासमती का पेटेंट किया गया भारत में लंबे समय से ये विद्यमान है, उसके बावजूद विदेशी कंपनी के द्वारा किया गया, ये किसे संबंधित है, तो वो है बासमती। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे पेयर जो कि रॉन्गली मैच था उसको अपन को टिक करना था, तो वो है स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स। ये क्वेश्चन जो है 12th NCERT के 6th चैप्टर से है, वैसे ये 5 में भी दिया गया है। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स से है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो वहाँ पे दिए गए थे तो उसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि पनेट वर्ग या पनेट स्क्वायर जो है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन भी ना 12th NCERT के 6th चैप्टर से दिया गया है। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज फर्स्ट शोन इन। जो अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव जो प्रकृति है DNA की, वो किसमें दर्शाया गया था सबसे पहले, तो वो बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में, जीवाणु में। विच नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी कहाँ से है, 12th के 6th चैप्टर से है, 12th NCERT के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस, मतलब कौन सा फ्लावर्स इसमें से ऐसा है जो सिर्फ जीवन अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही जिसमें फ्लावर्स आते हैं, तो वो है बैम्बू स्पीसीज, बांस की प्रजातियों में। तो ये 12th NCERT के 1st चैप्टर में ही दिया गया है। फिर है ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर दिया गया किया गया था यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, अर्ध सूत्री विभाजन के द्वारा, सॉरी सूत्री विभाजन, माइटो सॉरी 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 सूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये ऑफसेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 12th NCERT के 1st चैप्टर में है ये। फिर नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था जैकब और मोनोट के द्वारा लेकोपेरोन का खोज किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 12th NCERT के 6th चैप्टर से। ठीक है, जहाँ पे ऑपेरोन्स दिया गया है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलिन एज फॉसिल। पॉलिन ग्रेन्स को परिरक्षित करने, जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में कौन हेल्प करता है, तो वह है स्पोरोपोलिनिन। 12th NCERT के 12th चैप्टर, सॉरी 2nd चैप्टर में ये दिया गया है, 12th के 2nd चैप्टर में। फिर है नेटेलिटी को अपन क्या बोलते हैं, या नेटेलिटी जो शब्द है वो किसे संबंधित है, वो बर्थ रेट, जन्म दर से। तो 12th NCERT के 14th चैप्टर में ये दिया गया है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th सेप्टेम्बर, ये दिया गया है 16th चैप्टर ऑफ 12th NCERT। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोलुटेंट, वो है ओजोन, ये दिया गया है 12th NCERT के 16th चैप्टर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निके, निके क्या है, तो निके जो है वो एक जीव के द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका है जहाँ वो रहता है, मतलब फंक्शनल रोल है जो वो प्ले करता है जहाँ वो रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है 12th NCERT के 14th चैप्टर से। नेक्स्ट जो पिरामिड वाला क्वेश्चन है वो है 12th NCERT के 14th चैप्टर से। ठीक है, बायोमास का ये उल्टा पिरामिड इसका आंसर था, जैव मात्रा का मतलब बायोमास का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब संताप मंडल में कौन सा तत्व उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, वो है क्लोरीन। ये क्वेश्चन है 12th NCERT के 16th चैप्टर से। नेक्स्ट है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर आर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। ये क्वेश्चन है 11th NCERT के 9th चैप्टर में भी दिया हुआ है और ये 12th के 6th में भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर विच एमंग, मतलब इनमें से कौन जो है फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, तो आंसर इसमें है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये पढ़ चुके अपन, फंक्शन ये एक फंगस है, तो ये दिया गया 11th NCERT के 2nd चैप्टर से। फिर है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स।
ठीक है, ये है 11th एनसीईआरटी के 8th चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन से कौन सा ऐसा था जो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें आंसर किया गया NADH, जो कि 11th एनसीईआरटी के 13th चैप्टर फोटोसिंथेसिस से दिया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉरी इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के बारे में इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया 11th एनसीईआरटी के 10th चैप्टर से, जो कि आंसर है इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट है स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा का जो मूवमेंट जो है वो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, ठीक है, मतलब इसकी जो क्रियाशीलता है सॉरी गतिशीलता जो है वो किससे अफेक्टेड प्रभावित नहीं होती, तो आंसर है ओजोन की सॉरी ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से ये प्रभावित नहीं होती। ये क्वेश्चन दिया गया 11th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेटेड सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन इज, डिप्लोटिन स्टेज में ये शुरुआत होता है किस चीज का, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन। ठीक है, 11th एनसीईआरटी मतलब युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण डिप्लोटिन में स्टार्ट होता है 11th एनसीईआरटी के 10th चैप्टर में, ये सेल डिवीजन में दिया गया है। ठीक है, स्टोमेटा इज ग्रास सॉरी स्टोमेटा इन ग्रासेस लीफ आर, मतलब ग्रास की पत्तियों में मोनोकोर्स में या ग्रास की पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं, ये 11th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर से है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डायकॉट, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम डायकॉट में प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके द्वारा, तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा या वेस्कुलर कैम्बियम के डिवीजन से, 11th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में। फिर नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद पादप जो होते हैं लवण में उगने वाले, ये 11th एनसीईआरटी के 5th में भी दिया गया है। मॉर्फोलॉजी से इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए थे, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर्स इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर में दिया गया है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, मतलब जिनमें कम होती सेकेंडरी ग्रोथ या नहीं होती वो ग्रासेस, आंसर ये भी 11th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर में है। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, तो ये है एडवेंचियस रूट, ये 11th एनसीईआरटी के 5th चैप्टर से है। मॉर्फोलॉजी से इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ही जीरो टाइप, मतलब आसान बहुत ज़्यादा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो आंसर इसमें 11th एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर से ये दिया गया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, रॉन्गली स्टेटमेंट, इनमें से कौन गलत है, तो इसका आंसर स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआंस, ये गलत दिया गया था। ये जो क्वेश्चन दिया गया वो 11th एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर से था, आफ्टर नो कैरियोगैमी। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, किसमें क्या होता है, कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद बीजाणु जो है वो एक्सोजीनसली उत्पन्न होते हैं, तो वो है अगेरिकस। ठीक है, इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, अल्टरनेरिया और अगेरिकस। ठीक है, तो अगेरिकस एस्कोमाइसिटिस में आता है, तो ये आंसर था इसमें, एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली दो चीज़ होती हैं, ये 11th एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर से दिया गया था। फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है, मैच द फॉलोइंग था, इसमें म्यूजियम हर्बेरियम की कैटलॉग टाइप के क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन दिया 11th एनसीईआरटी के 1st चैप्टर से दिया गया था। फिर है जो सपक्ष विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में होते हैं, तो वो पाइनस में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द रॉन्गली मैच्ड, कौन गलत मिलाया गया है, तो वो है यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स पॉलिसिपोनिया। ठीक है, ये गलत है, ये एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर से दिया गया है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंटेड द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली, मतलब अस्थमा और एम्फाइसीमा के लिए दोनों के लिए करेक्ट है कौन सा, 11th एनसीईआरटी के 17 चैप्टर में है ये, तो इसका आंसर है श्वसनिका, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, और ये है किसके लिए,
सॉरी अस्थमा के लिए और इम्फाइजिमा के लिए है डिक्रीजिस रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, श्वसनी सतह में कमी, और उसके ऊपर है अस्थमा के लिए इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ये 46 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।